घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस मतलब एक सीरियस एक्शन लेगी, मतलब इतना वायलेंस हुआ है, इतना सीधे सीधे दो जगह पुलिस पार्टी को अटैक किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, कई जगह पुलिस पर्सनल को इधर उधर भाग के लोगों के घर में शरण लेनी पड़ी, थाना हमारा घेर लिया गया था, तीन चार घंटे थाना घेरा रहा, उसके आसपास की सारी गाड़ियां जला दी गईं, मतलब वी वर वेरी लकी कि उसमें थाने को घेर के इन्होंने मतलब जो वहां सरकारी कर्मचारी अंदर फंस गए थे उनको मतलब कैजुअल्टी उस पे से कोई नहीं हुई, बट इट शोज द लेवल ऑफ द वायलेंस। अब अगर उसके बाद हम लोग क्रिमिनल FIRs रजिस्टर करके और प्रॉपरली जो भी एविडेंस है उसको वो करके अगर हम वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं और इसको अगर कोई ये कहता है कि साहब पुलिस ज्यादती कर रही है या बायस होकर कार्रवाई कर रही है, तो आई मतलब मैं इस चीज का बिल्कुल कैटेगोरिकली खंडन करता हूं। आई दिस इज जस्ट ये मिस्चिफ है और ये एक तरह से लोग मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो दोषियों को बचाने के लिए इस तरीके की बातें पब्लिक में कर रहे हैं। पुलिस बिल्कुल हमारी पुलिस बिल्कुल इस मामले में हमारा कोई किसी इट इज नॉट अ कम्युनल इंसिडेंट, ये एक मॉब एक लॉलेस मॉब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और इसमें हम जो भी साइंटिफिक तरीके से लॉफुल तरीके से कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.